और भी एक आएगा, दोनों मिलकर ये जो बना हुआ है इसको उठाएंगे। उठाकर यहाँ पर जो ऑपरेटर होते हैं यहाँ पर बैठते हैं, उनका ये ऑपरेटर का केबिन है, यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर बैठकर इसको ऑपरेट करते हैं। एक बड़ा वाला देखिए कितना बड़ा ये गया क्रेन, देख सकते हैं आप। यहाँ पर से इसका रोलर, यहाँ पर रोलिंग जो हुआ है, जो केबल है ये रोलिंग हुआ है, जब ये काम करता है तो ये वाला यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक गया दोस्तों, देखिए। और ये पुल बन रहा है, देख सकते हैं आप। इसमें 12 सिलेंडर इंजन, 12 सिलेंडर इंजन है इसमें। ये आपका अभी कहाँ से आया है? लेफ्ट साइड पर कर जी जी जी। तो इसमें रोड खाली रहे या लोड 180 टन नहीं उठा सकता कैपेसिटी। सर दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं रॉन ऑन व्हील्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बड़े से मशीन, देख सकते हैं ये क्रेन है दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा क्रेन है, ये बहुत ही बड़ा जियांट क्रेन है दोस्तों। देख सकते हैं कितना बड़ा इसका है, देखिए पहिया कितना बड़ा बड़ा इसका लगा हुआ है। इसका 10 पहिया, अगर पहिए की बात करें तो इसमें 10 पहिया लगा हुआ है। कितना बड़ा क्रेन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये GGS मुंबई इस पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और ये जो है राइट साइड इसमें चलता है, ये दाहिने तरफ इसका स्टेयरिंग दिया हुआ है, देख सकते हैं आप दोस्तों। और इसमें नागालैंड का ये नंबर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है भाई का, जो गाड़ी यहाँ पर टूट गया था, बता रहे कि गाड़ी यहाँ पर टेलर वाले ने ठोक दिया था, वहाँ पर टूट गया था, तो अभी काम चल रहा है भाई का, देख सकते हैं आप। भाई हमारे कुछ रिपेयरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर होल्डिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं भाई का। यहाँ पर टूल बॉक्स पूरा रखा हुआ है, टूल बॉक्स में देख सकते हैं कितने सारे सामान इस पर रखा हुआ है, देखिए। और ये वाला देख सकते हैं भाई कितना बड़ा, एक जियांट वाला ये देखो, उठाने के लिए कितना बड़ा ये दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। इसका भाई का कहना है कि 1 टन का ये वजन है इसका। और ये देखिए कितना बड़ा एक क्रेन, देख सकते हैं आप। दोस्तों अभी हम चलकर थोड़ा आपको चारों तरफ दिखा देते हैं इस क्रेन का, थोड़ा देख सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर ये हमारा जो ड्राइवर भाई होते हैं यहाँ पर बैठते हैं, और ये लेफ्ट साइड इसका स्टेयरिंग दिया हुआ है, देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड से चलता है। और ये देखिए कुछ यहाँ पर टूल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर एक काम चल रहा है, एक फ्लाईओवर ब्रिज का काम चल रहा है, जो रेलवे रेलवे लाइन के ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है, देख सकते हैं। एक फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है यहाँ पर, जो ब्रिज को आया है उठाने के लिए आया है, और ये उठाएंगे। और भी एक आने वाला है इसी तरह का मशीन, बड़ा वाला मशीन, और भी एक आएगा। दोनों मिलकर ये जो बना हुआ है इसको उठाएंगे, उठाकर ट्रेन लाइन के ऊपर जाकर इसको रखेंगे बीच में। अभी ये साइड पर बन गया है, वहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप, वहाँ पर बन रहा है और उसको वहाँ पर जाकर रखेंगे। देखिए दोस्तों, इनोवेटिव सिस्टम से यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर से ऑपरेट होता है ये, देखिए ये दोस्तों। यहाँ पर जो ऑपरेटर होते हैं यहाँ पर बैठते हैं, उनका ये ऑपरेटर का केबिन है, यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर बैठ कर इसको ऑपरेट करते हैं। एक बड़ा वाला देखिए कितना बड़ा ये गया क्रेन, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हाइड्रोलिक टैंक इस पर लिखा हुआ है, डीजल टैंक वहाँ पर है, देखिए दोस्तों। यहाँ पर ये जो हाइड्रोलिक ये जॉक होता है दोस्तों, ये जो सब जॉक है यहाँ पर देख सकते हैं, जॉक यहाँ पर ये जब काम करता है तो इस जॉक को नीचे मिट्टी में लगाया जाता है, उसके बाद इसको काम में लगाया जाता है। यहाँ पर इसका डीजल टैंक दिया हुआ है, और ये हाइड्रोलिक टैंक इस पर लिखा हुआ है, और ये बड़ा बड़ा चक्का आप देख सकते हैं दोस्तों इसका। दोस्तों अभी चलकर हम थोड़ा उधर से भी आपको दिखाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर पीछे इसका एक स्टेपनी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर पीछे से कुछ इस तरह से ये दिखता है। यहाँ से इसका रोलर, यहाँ पर रोलिंग जो हुआ है, जो केबल है ये रोलिंग हुआ है, जब ये काम करता है तो ये रोल खुलता है और केबल ऊपर मतलब कि चलता है ये वाला। देखिए यहाँ पर एक काम हो रहा है, देखिए किस तरह से ये पुल बन रहा है, देख सकते हैं। दोस्तों अभी देखिए थोड़ा दूर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर शाम के टाइम है, कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं। एक बड़ा वाला यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक गया दोस्तों, देखिए। और ये पुल बन रहा है, देख सकते हैं आप, शानदार नज़ारा है दोस्तों, देखिए। भाई वहाँ पर काम कर रहे हैं, भाई से जाकर बात करेंगे क्या इसका मतलब कि कितना फ्यूल है कंज्यूम करता है, 1 किलोमीटर चलता है तो कितना ये डीजल मतलब कंज्यूम करता है, सब कुछ जानेंगे, भाई से थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है अभी। ये देखिए यहाँ इसका हेडलैम्प गिरा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर हेडलैम्प खुलकर भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, देखिए।
भाई ये कितना हाइट का रहता है ये वाला जो मशीन है? ये 60 मीटर है ये, जब खड़ा हो जाएगा पूरा 60 मीटर तक खड़ा होता है। इसका जो फ्यूल टैंक है कितना टैंक मतलब लीटर उसमें रहता है फ्यूल? फ्यूल कैपेसिटी टैंकर इसमें कितना रहता है? फ्यूल का टैंक 400 लीटर है। 400 लीटर नीचे 400 लीटर है, ऊपर 200 लीटर। जो मशीन है इसका चलता है वो 200 लीटर का है और जो गाड़ी चलता है उसमें 400 लीटर का है। और ये कितना एवरेज कितना देखा जाता है जब मशीन चलता है जो ऊपर जो? 1 लीटर में 1 किलोमीटर चलता है। जी जी, 12 सिलेंडर इंजन है इसमें। ये आपका अभी कहाँ से आया है आपका? ये आया हमारा ग्रेन यहाँ से जलेश्वर से आया है आपका। इसको आने में जो मतलब रोड पर ऐसे ही आया कि गाड़ी के ऊपर चढ़ के आया? ऐसे ही आता है तो इसमें कुछ परेशान नहीं होता है रोड में आने के लिए? कोई दिक्कत नहीं, नहीं, नहीं साइड पकड़ के चलता। आपका साइड आपका कितना राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर चलते? लेफ्ट साइड पकड़। जी जी जी, तो इसमें साइड में रोड खाली रहे या रोड रहे क्या मतलब? आपका इसमें रूल है कि आप लेफ्ट साइड में चलेंगे? जी, राइट में हम नहीं जाएंगे। राइट में नहीं जाएंगे आप? तो आप यहाँ पर कितने दिन रुकेंगे? अभी काम कब स्टार्ट हो जाएगा? हमको 4-5 साल हो गया। आपको 4-5 साल इस लाइन पर हो गया आपको? इसी कंपनी में। इसी कंपनी में, हाँ, लक्ष्मी में। तो आपका सैलरी कितना रहता है इसमें? सैलरी सब मशीन के ऊपर, मशीन के ऊपर है, काम के ऊपर है। मशीन वैसा सैलरी। तो फिर भी एक एवरेज सैलरी आपका बता सकते? 40 भी है, 50 भी है। तो खाना पीना आपका कैसे इसमें रहता है? कंपनी देता है, खाना पीना अलग से मिलता है आपको। तो अभी आप यहाँ पर क्या काम कर रहे? जो टूट गया था जो गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया था, कहीं खड़ा होते तो दिक्कत होता है रोड के ऊपर खड़ा होने में? रोड पे खड़ा होने तकलीफ होती है ना मेंटेनेंस करने में। जी जी, चलिए अपना साइड में आ गए, हम कुछ भी कर सकते हैं जी, हमको कोई तकलीफ नहीं है। तो आप कहाँ के रहने वाले भाई? मैं यूपी बताइए। अब यूपी के रहने वाले? ये जैसे कि नागालैंड का नंबर इसमें लिखा हुआ है, नागालैंड पासिंग। ये नागालैंड पासिंग है, ये नंबर कहीं का भी चलेगा, नागालैंड का, महाराष्ट्र का। जी जी, जहाँ का पासिंग रहेगा। जी जी, यहाँ से नागालैंड नजदीक पड़ता है ना टैक्स भरने के लिए। जी जी, तो इसका कैपेसिटी कितना रहता है? किलो कितना टन तक वजन उठा सकता है ये? 180 टन उठा सकता है कैपेसिटी इसका रहता है। जी जी, बहुत ही बढ़िया। तो भाई से अभी आपने जो जाना, जो भाई ने बताया कि मशीन के बारे में थोड़ा बहुत भाई से बातचीत हो गया, भाई ने बताया कि इसका क्या कुछ काम रहता है, देख सकते हैं आप लोग इस मशीन को। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।